अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सपने भी देखे तो उसमें तुम्हारी भलाई चाहिए, लेकिन सपने में ये सपना नहीं देखा कि तुम इतनी गिर जाओगी। विधि, विश्वास रुक जाइए, इसका कोई भरोसा नहीं है। किस समय कौन सा काला जादू कर दे। चलिए आप हमारे साथ। क्या बात है, नया रूप दिखा दिए ना अपने असली तेवर। सबको तेवर दिख रहे, सच्चाई किसी को ना दिखी। डॉक्टर रुको, हम जानते हैं कि हमने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी है, दिल तोड़ा है हमने आपका, लेकिन एक दिन आप जरूर समझेंगे कि धक्के खाने के बावजूद हम इस घर में क्यों लौट कर आए। ये रौब, ये तेवर लेकर सिर्फ आपको और बन्ना साह को बचाने के लिए। डॉक्टर रुकुम, बस मारे को कुछ वक्त दीजिए, हम बन्नी साह का सच सबके सामने लेकर आएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मारे को पूरा विश्वास है कि ये बन्नी साह की साजिश है। बस करो विधि, कितना बेवकूफ समझती हो तुम हमें, हा? कि अब भी तुम्हें हमें झूठी कहानियां सुनाई जा रही है और हम तुम्हारे जाल में दोबारा फंस जाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें, अब भी त्रिशाला पे ही निशाना साध रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, वो त्रिशाला जिसने हमेशा तोमर परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा हमारे बारे में सोचा, यहाँ तक कि आज अगर तुम्हारा सच सामने आया है ना बाबा हुकुम के सामने, तो वो भी सिर्फ त्रिशाला की वजह से। लेकिन तुम अपना ये झूठ कभी बंद नहीं करोगे। अरे हम क्या सजा देंगे तुम्हें, क्या सजा देंगे हम। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जानते हो अबीर ने तो तुम्हें सिर्फ 7 दिन इस घर में रहने के लिए दिए, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें इस धरती पे रहने के लिए 7 दिन दिए। सिर्फ 7 दिन बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के विधि। हाँ, तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन की मेहमान हो तुम। इस घर में तुमने हमेशा नफरत पोई है, इसलिए नफरत ही काटोगी विधि। तुम्हारी असली सजा तुम्हारा कैंसर, उसी के साथ जियोगी, उसी के साथ मरोगी। अब अगर मां अंबे ने हमारी किस्मत में ये लिखा है ना, तुम्हारे को मंजूर है। 7 फेरों का मतलब होता है 7 जन्मों का साथ। तो अगर हमारे पास सिर्फ 7 दिन, तो हम हर दिन अपना हर एक वचन निभाएंगे पन्ना साह की रक्षा करने का, इस परिवार की रक्षा करने का, उनकी पत्नी होने का पूरा अधिकार निभाएंगे। ठीक है, तो जी लो अगले 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन। जी जी, ये क्या बोल दिया अबीर ने, वो थारे से शादी कैसे कर सकता है। ये गलती भूल की भी मत करना, थारा जन्म इस परिवार से बदला लेने के लिए हुआ है, ना कि अपने कातिल से शादी करके उसके घर बसाने के लिए हुआ है। तुम शायद भूल रहे हो पारस, पिछले जन्म में आदिनाथ से शादी करके हम और भी शक्तिशाली हो गए थे।
इस बार भी हम अबीर से शादी करके अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे और फिर शुरू करेंगे उनका सर्वनाश। माँ, मैं इस घर को सर्वनाश नहीं होने दूंगी। ना जाने क्यों पर मारे को पूरा विश्वास है कि इन सब के पीछे बन्नी का हाथ है। उन्होंने ही दादू साहब को बहला फुसला के मारे खिलाफ किया। बन्नी के अलावा और किसी का फायदा ना इसमें। वो चाहे पूरी दुनिया को विश्वास दिला दे कि हम सगुन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम भानुमति हैं। और जो हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे वो हम इस जन्म में करेंगे। इस परिवार और बन्ना सा को बचाने का अधूरा काम। 7 दिन में हम अबीर के इतने करीब आ जाएंगे कि कोई हमें उनसे दूर नहीं कर पाएगा। विधि तो वैसे ही जल्दी मरने वाली है और अबीर को अपने हाथों से मार के हम अपना बरसों पुराना बदला पूरा करेंगे। माँ, हम पिछले जन्म में बन्ना सा को नहीं बचा पाए थे, लेकिन इस जन्म में हम उनका बाल भी बाका ना होने देंगे। मारे को शक्ति दे कि हम इस घर से काले साए को हटा सके और इस परिवार की जिंदगियों में वापस खुशियां ला सके। हम इस हवेली में मातम का अंधेरा ला देंगे पारस। पेन ड्राइव तो अब थारा मरने का वक्त आ गया। सब मिटा दूंगी। बन्ना सा जेल से कभी नहीं निकलेंगे। क्या कर रहे? रुकिए, बन्ना सा ये क्या कर रहे यहाँ पर? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि तुम आओगी। तुम्हें तो पुरानी आदत है ना दूसरों के जख्म में मरहम लगाने की। तो खुद को दर्द दे रहे थे, खुद को जख्म जानबूझ के दे रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने तुम पे विश्वास किया, अपने दिल में तुम्हें जगह दी। लेकिन तुम तो हमारी माँ हुकुम के पीछे पड़ी हो, उन्हें मारना चाहती हो और अभी हमारे पूरे परिवार को तबाह करना चाह रही हो। विधि, नफरत करते हम तुमसे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। आई हेट यू, जस्ट हेट यू।